समय तक रहे और नजदीक थी बस फाइनल की ट्रॉफी आपके पास, तो फिर क्या लग रहा है? 3 दिन पहले बाहर निकली हूँ मैं, बट मैंने जेन्युइनली सोचा नहीं था मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, पूरा रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए इन ट्रू वर्ड्स। तो या आई थिंक इट वॉज गुड। आई अभी तक बाहर आई हूँ तो ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कुछ, पता नहीं अजीब सा ही फील है ये, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या फील हो रहा है ऐसे इतने सारे लोग देख के, ऐसा ट्रैफिक देख के। कल रात को मैं बाहर निकली थी तो ऐसे ट्रैफिक लोग सब देख के मैं थोड़ी सी थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा था, बट नंदलेस आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं अपने फैमिली को मिली ली, अपने दोस्तों को मिली ली, वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड बहुत सारी चीज़ें पता चली मुझे। आपने अंदर बहुत अच्छी तरह से खेला, साथ ही साथ यू बिकम वेरी इमोशनल इनसाइड द हाउस। जब जो 25 मिनट वाला टास्क था उस पर आप काफ़ी इमोशनल हुई उस पर, तो क्या कहना चाहोगे? और पूजा भट्ट ने जिस तरह से आपको इंटीमेट किया इनसाइड द हाउस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वेल, बहुत सारी चीज़ें हुई है अंदर और मेरे पीठ पीछे भी जब मुझे पता चली अब बाहर आने के बाद, कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर भी वो फील था कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी मेरे बारे में, मैं इतनी फेवरेट थी सबकी ये तो मुझे पता ही नहीं था, बाहर आके पता चला। बट ठीक है, अब बाहर आ गई हूँ तो मुझे ऐसे किसी से कुछ भी कुछ है नहीं दिल में सिवाय प्यार के, तो बस वही। सो मिड वीक इविक्शन था, उसके अंदर कितना हर्ट हुआ?